हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को जो कि मुझे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सारे फ्रेंड्स भी जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ व्यू कर रहे हैं, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। मेरा व्यू और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, बढ़ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, मे बी मेरा ही कोई फॉल्ट होगा। मे बी अगर कुछ है तो आप लोग ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है? तो साथ में रहिए, सपोर्ट कीजिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। आज मैं क्रंच क्या करने वाली हूँ। ये है वो बड़ा वाला जो स्टोन आया था उसका एक पार्ट, पता नहीं ग्रिटी होगा क्या होगा, क्योंकि ये स्टोन मैंने अभी तक जितना क्रंच किया पूरा ग्रिटी निकला है। ये भी ग्रिटी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है। तो इसको मैं अभी क्रंच करने वाली हूँ। देख लीजिए सेस्टोन बड़ा है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना क्रंच करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रंच शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा क्रंच कंप्लीट हुआ है, पर मुझे जितना मन हुआ मैंने सैलो किया, बाकी का नॉन सैलो। ठीक है, बहुत ही क्रंची था, ड्राई है तो थोड़ा हार्ड भी लगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी में डिप किया था, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्रंच करके मज़ा आया। बाइट थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा छोटा हुआ, लेकिन बहुत ही हर्टी, बहुत ही क्रंची था, और टेस्ट भी बहुत मुझे अच्छा लगा। वैसे भी मुझे व्हाइट ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो क्रंच करके बहुत मज़ा आया फ्रेंड। मैंने इतना छोड़ दिया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको मैं किसी और दिन क्रंच कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।